मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आप समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस औरत की योनि में हाथ लगाना, कपड़े उतार कर, आप समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, किसी औरत के कपड़े खींचकर उसके स्तन छूना, आप नहीं समझते हैं। और अगर आप समझते होते तो आज खामोश नहीं होते, आपकी आंखों की नींद उड़ गई। और स्मृति ईरानी, किस बात की स्मृति ईरानी, महिला विकास मंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर आपको मर जाना चाहिए स्मृति ईरानी जी, अगर इस तस्वीर पर आप खामोशी बरत रहे हैं। जब राहुल गांधी जाते हैं, मैं कोई राहुल गांधी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन जब वो मणिपुर जाते हैं, वहां के सवाल उठाते हैं, तो बड़े बड़े आंखों के गोटे निकालकर आप ट्वीट करती हैं कि देश के खिलाफ जा रहे हैं राहुल गांधी, और आप पूरी बेशर्मी से खामोश है मणिपुर की बेटियों के कपड़े उतार लिए जाने पर, मणिपुर की बेटियों को हाथ लगाए जाने पर। पूरी सरकार, ढीठ सरकार, निकम्मी सरकार, बेशर्म सरकार चुप है, खामोश है। और 30 दलों में से एक भी नेता ऐसा नहीं था जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डालकर पूछ लेता कि मणिपुर में हो क्या रहा है और आप होने कैसे दे रहे हैं। मैरी कॉम अपील कर चुकी, भावुक अपील। मीरा चानू अपील कर चुकी, भावुक अपील। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली आए, हाथ जोड़कर कहा कि राजनीति छोड़िए, हमारे राज्य को बचा लीजिए।